अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियल स्टेट नामा एंड बिल्डर्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाए हैं 5 मरले का यूज्ड हाउस, जो कि स्कीम 3 एक्सटेंशन में वाक़ है। ये थोड़ा यूज्ड हाउस है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। आइए चलते हैं इसके अंदर और इसके अंदर का विज़िट करते हैं। दोस्तों हम मौजूद हैं इसके कारपोच के अंदर, जो कि वाइड है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक टैंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और ये आप सामने देख सकते हैं आपको ड्राइंग रूम की एंट्रेंस दी गई है। मेरे बैक साइड पे जो है लिविंग एरिया की आपको एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इस साइड पे इन्होंने गैलरी दी गई है और ये मोटर वगैरह का यूज़ किया गया है। इसके अंदर जो है लाइन का पानी है, पानी का नो इशू। और चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ और लिविंग एरिया का आपको इसका विज़िट कराते हैं। तो दोस्तों हम मौजूद हैं इसके लिविंग एरिया के अंदर। नया ही वाइट बनाया गया है ये, और इसके टॉप पे जो है ये फनूस का यूज़ किया गया है डबल फैन के साथ। इसी तरह सेम इधर मिरर का यूज़ किया गया है खूबसूरती देने के लिए। इसके टॉप पे जो है फनूस का यूज़ किया गया है। जो ग्राउंड है इस पर 2x2 की इस पर टाइल लगाई गई है, जो कि इसके लुक को मज़ीद बेहतर कर रही है। और इधर भी बहुत खूबसूरती इन्होंने दी गई है, वॉल पर डेकोर वगैरह फनूस के साथ किया गया है। इस साइड में ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है, ये इसका रिलेटिव आपके कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप इस गेट से इनको अंडर एंटर कर सकते हैं। तो आप इसको किचन का विज़िट कराते हैं। दोस्तों हम मौजूद हैं इसके किचन के अंदर। ये भी बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड का इस्तेमाल किया गया है इसमें। इसमें भी बहुत अच्छी एक्सेसरीज भी यूज़ की गई हैं। इस साइड में जो है आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह के लिए भी स्पेस दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं इसके टॉप पे। टॉप से जाने से पहले इसमें एक ग्राउंड पे जो है इसका एक बेडरूम भी है, आपको इसके बेडरूम का भी विज़िट कराते हैं। हम मौजूद हैं इसके बेडरूम के ऊपर, और इसका बेडरूम भी वाइट बनाया गया है। इसके ग्राउंड पे जो है मार्बल का यूज़ किया गया है। टॉप पे जो है फैन का यूज़ किया गया है, और उसके साथ साथ बैक साइड पर फनूस का यूज़ किया गया है। ये जो इसकी कबर्ड अपार्टमेंट है, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टॉप टू बॉटम बनाई गई है। तो दोस्तों चलते हैं इसके वाशरूम की तरफ, आपको वाशरूम का विज़िट कराते हैं। इसका वॉशरूम भी जो है वो गुड क्वालिटी का बनाया गया है। इसमें टाइल्स का यूज़ किया गया है। इसमें इंग्लिश सीट भी है और इंडियन सीट भी है, जो कि दोनों आपको उन्होंने ऑप्शंस दिए गए। तो दोस्तों चलते हैं इसके टॉप फ्लोर में, फर्दर इसके टॉप फ्लोर का आपको विजिट कराते हैं। ये आपको पता है ये सिंगल यूनिट घर है, तो इसमें जो स्टेयर्स हैं वो अंदर लिविंग एरिया के अंदर से ही जा रही हैं। दोस्तों हम ऊपर वाले पोर्शन में आ चुके हैं। इस स्टेयर से आप जैसे ही ऊपर आप आते हैं तो आपको एक ओपन स्पेस नज़र आती है, इसको लिविंग एरिया भी आप काउंट कर लें तो बेस्ट है। तो इसी तरह सामने आप देखें फर्दर, तो इसके इन्होंने इसको आप बेडरूम भी काउंट कर सकते हैं बच्चों के लिए, नहीं तो ये एक स्टडी रूम बनाया गया है। ये देख सकते हैं बहुत ही वाइड बनाया गया है। इसके टॉप पर जो है फैन वगैरह का यूज़ किया गया है, ग्राउंड पर मार्बल का यूज़ किया गया। दोस्तों इस साइड पर आएँ तो इस साइड पर जो है ये एक स्टोर रूम आपको दिया गया है छोटा सा, जो इसमें आप कोई भी कोई सामान छोटा वगैरह रखना चाहें तो आप इजीली इधर कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस साइड पे आपको दिखा दें इसका टेरिस है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें भी जो है इस साइड पे टाइल्स वगैरह का यूज़ किया गया, और इस साइड पे जो है ये ग्राउंड पे मार्बल का यूज़ किया गया। इधर आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। आपको इसकी थोड़ी सी एकोमोडेशन बता दूं मैं कि इसके जो ग्राउंड है उस पर 1 बेडरूम है, उसके साथ किचन है और टीवी लिविंग एरिया और ड्राइंग रूम वगैरह है। इसके टॉप पे जो है 3 बेडरूम्स हैं, और एक स्टडी रूम काउंट कर लें और 2 बेडरूम जो है प्रॉपर बने हुए। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं आपको ये घर पसंद आएगा। ऐसे खूबसूरत घर हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। दोस्तों ये भी बहुत ही वाइट बनाया गया है। इसके ग्राउंड पे भी मार्बल का यूज़ किया गया है। इस साइड पे जो है आपको पता है वॉलपेपर लगाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह इसमें आपको देख सकते हैं ये डबल साइडेड जो है इन्होंने टॉप टू बॉटम कबर्ड अपार्टमेंट दिया गया। दोस्तों चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। इसका वॉशरूम भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसमें भी टाइल्स का यूज़ किया गया है, बहुत अच्छी एक्सेसरीज का यूज़ किया गया है, और इसमें जो है इंग्लिश सीट का आपको ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ और आपको थर्ड बेडरूम का विजिट कराते हैं।
दोस्तों ये हम थर्ड बेडरूम के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त ग्राउंड पे भी बहुत ही खूबसूरत मार्बल का यूज़ किया गया है। इसके जो सामने कबर्ड डिपार्टमेंट है वो टॉप टू बॉटम बनाया गया है और बहुत ही आप देख सकते हैं इसमें आपका सामान वगैरह ईजीली आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ और इसको वॉशरूम का विजिट कराते हैं आपको। हम मौजूद हैं इसके वॉशरूम के अंदर। इसके अंदर भी टाइल्स के यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर भी आपको इंग्लिश सीट को ऑप्शन किया गया है और वेंटी वगैरह जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इस साइड पे आपको अंदर इसके वॉशरूम के अंदर भी कबर्ड डिपार्टमेंट दिया गया जिसके अंदर आप इजीली चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं घर आपको पसंद आएगा। ऐसे खूबसूरत घर हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि सारे खूबसूरत घर आप डेली रूटीन में देख सकें। एक्सटेंशन में बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकेशन है। इस पर बाकी फर्दर डिटेल के लिए दिए गए नंबरों पर रब्ता करें। उम्मीद करें घर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।